जिस रायबरेली ने गांधी परिवार को कई बार दिल्ली की सत्ता पर बिठाया, उस रायबरेली को कांग्रेस ने कितना विकसित बनाया। आखिरकार राहुल गांधी ने अमेठी छोड़कर रायबरेली से पर्चा भर दिया है, जिसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी अपने दम पर अमेठी नहीं जीत सकते थे, क्योंकि रायबरेली पर तो कांग्रेस का आजादी के बाद से ही कब्जा रहा है। मात्र 6 साल रायबरेली से गैर कांग्रेसी सांसद रहा फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी और उसके बाद सोनिया गांधी कई बार रायबरेली से जीत कर दिल्ली पहुंचे। 1952 से 1957 तक फिरोज गांधी रायबरेली से सांसद बने। 1967 से 1977 तक इंदिरा गांधी यहां से सांसद चुनी गई। 1980 में दोबारा इंदिरा गांधी सांसद बनी। 1980 और 1984 में अरुण नेहरू यहां से सांसद रहे। इसके बाद 2004 से सोनिया गांधी यहां से सांसद बनी। इनके अलावा भी कांग्रेस के आरपी सिंह 1 बार, शीला कौल 4 बार, सतीश सिंह 3 बार रायबरेली से सांसद चुने गए। आप सोच रहे होंगे कि जब रायबरेली से वो गांधी परिवार सांसद बनता था जो देश की सत्ता संभालता था, तो यहां विकास की गंगा बह रही होगी, तो आप बिल्कुल गलत है। पुराने आंकड़ों पर नजर डाले तो रायबरेली विकास से हमेशा अछूता रहा। अपार संभावनाओं के बावजूद गांधी परिवार ने रायबरेली को महज वोट बैंक समझा। आंकड़े इसकी साफ गवाही देते हैं। देश की तुलना में रायबरेली में शिशु मृत्यु दर भी ज्यादा है। अगर भारत में 1000 शिशुओं में से 25 की मौत होती है, तो रायबरेली में यही आंकड़ा 55 मौतों का है। अगर भारत में 1000 में से 24 नवजात की मौत होती है, तो रायबरेली में ये आंकड़ा 33 का है। रायबरेली में 2014 से पहले सिर्फ 5 प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऐसे थे जो 24 घंटे खुले रहते थे। 2014 से पहले तक स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं थे। स्कूलों में छात्रों के पीने के लिए पानी और टॉयलेट नहीं थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक चुनावों से पहले यहां फैक्ट्रियां शुरू होती हैं और चुनाव बीत जाने के बाद उन पर ताला लग जाता है। रायबरेली टेक्सटाइल, मोदी कारपेट, शीना होमटेक, शुगर मिल, ये उन कंपनियों के नाम है जिन्होंने रायबरेली को रोजगार की उम्मीद दिखाई, लेकिन कांग्रेस की ही सरकार में इन पर ताला भी लग गया। मित्तल फर्टिलाइजर, अपकाम केबल, कंसेप्टा केबल समेत करीब 10 लघु उद्योग बंद हो गए। 2013 में यूपीए शासन के दौरान प्रस्तावित देश का पहला महाविद्यालय भी पूरा ना हो सका। रायबरेली में महिला विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा यूपीए सरकार में की गई थी, जो कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार ने अपना वादा निभाते हुए पहले एम्स का शिलान्यास किया और बीते दिनों उसका लोकार्पण भी किया। रायबरेली में बीजेपी की सरकारों के काम को देखते हुए 24 के चुनावों में कांग्रेस की राह मुश्किल लग रही है। शायद इसीलिए सोनिया गांधी ने रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ने की बजाय राज्यसभा का रास्ता चुना। लेकिन राहुल गांधी, जो 2019 में अमेठी में स्मृति ईरानी के हाथों हारे थे, वो रायबरेली में अपनी लाज बचाने उतरे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यूपी में राहुल गांधी कांग्रेस का भविष्य बचाने के लिए लड़ रहे हैं या खुद का, क्योंकि रायबरेली में इस बार राहुल गांधी की राह मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।